जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। चेयरमैन आप, थैंक यू सो मच। मैडम मिनिस्टर का जो पॉइंट है, या सादिक साहब उस वक्त चेयरमैन भी था, कमेटी था, लेट हिम रिस्पॉन्ड टू दैट इन डिटेल। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जनाब स्पीकर, कि ये वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को नो क्रॉस टॉक। जी थामोल से सुने, और जितने एनआरओ वजीर आजम इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वजीर आजम ने इतने एनआरओ नहीं दिए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, ये ऑर्डिनेंस के तौर पे, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, प्रोमल्गेट किया गया 20 मई को और गजेट में 29 मई में छापा गया। आपका रूल्स, आपका लॉ ये कहता है कि अगर हाउस सिटिंग में है तो आपको एज सून एज पॉसिबल ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश करना चाहिए। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मिल रहा था मुसलसल जून में, इन्होंने किसी को नहीं बताया। इन्होंने ना पाकिस्तान के आवाम को बताया, ना सियासी जमातों से इंगेज किया कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हमें तो समझाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं समझाए। इस हाउस को एतमाद में नहीं लिया गया, इस हाउस के मेंबरान को एतमाद में नहीं लिया गया। जब ये बात फिर सेनेट में उठा, जब ये बात मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और पूछा कि आप क्यों कुलभूषण यादव को रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने आज हमारे सामने ये ऑर्डिनेंस ले किया है। शरीन मजदारी साहिबा की जो आर्ग्यूमेंट है कि हमने तो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं मानना था, चले अगर आपका वो मौकिफ था, उससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, मेरा मौकिफ हो, दिस इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप ज्यूरिसडिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दे। एक इंडियन स्पाई को, इंडियन स्पाई को, एक तो एक बात मेरे समझ नहीं आता, भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर गिरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं, और आप जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है? कि कुलभूषण यादव को एनआरओ देना चाहिए। जनाबी स्पीकर, ये तो कहानी यहां नहीं रुकता। ये ना सिर्फ कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसन अल्लाह एहसान को तो एनआरओ दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। मैंने इस असेंबली में क्वेश्चन डाला था, आज तक वो क्वेश्चन इस हाउस का एजेंडा में नहीं आया है। जिस दिन एहसन अल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं आया कि क्या एहसन अल्लाह एहसान किसके कैद में था, कैसे आजाद हुआ, ये क्या 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 कोशिश कर रहे हैं उनको फिर से गिरफ्तार करने के लिए। आज भी वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप तकरीर करते हो, वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो फिर एहसन अल्लाह एहसान से धमकी आता है। ये आज से नहीं, शुरू दिन से इन दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। इन्होंने हर वो कोशिश किया, चाहे वो स्वात का ऑपरेशन मोड हो, जहां हमारा सिपाही इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, या ज़र्बे अज़्ब का ऑपरेशन हो, इन्होंने, इनका वजीर आजम ने हर बयान में
हर बयान में उन दहशतगर्दों को का मुखालफत तक नहीं की, मज़ामत तक नहीं की जो हमारे कौम के बच्चों को शहीद कर रहे थे। और आज उसके हुकूमत के दौरान, उसका हुकूमत के दौरान मुझे जवाब ना दे, ऐसा ना एहसान और उसका ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे जमात के साथ किया, मेरे जमात के कारकुनों के साथ किया है, वो इस कौम की तारीख में लिखा हुआ है। हमारा खून खून का जवाब ही ना दे, लेकिन APS के बच्चों के वादे को आपको जवाब देना पड़ेगा। APS के बच्चों के वादे को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द कैसे बाहर निकला और आप आपका सियासी काम कैसे कर रहा है। इसका जवाब इस हुकूमत को देना पड़ेगा कि कुलभूषण यादव का बात आता है तो उनको भी NRO देने पड़ता है, एहसन अल्लाह एहसान का बात आता है तो उनको भी वो NRO दे रहे हैं। वो कितने NROs देंगे जनाब स्पीकर? वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं जी सर, जहांगीर तरीन को भी NRO मिला है, BRT मंसूबा को भी NRO मिला है, मालम जब्बा पे भी NRO है, बिलियनरी सुनामी पे भी NRO है, चीनी चोरी पे NRO, आटा चोरी पे NRO, तेल की चोरी पे NRO। आज तो अब तो जनाबी स्पीकर इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अच्छा आ गया है कुलभूषण यादव का दिफा करना। जनाबी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका हुकूमत का नाब का गठजोड़ पे फैसला सुना दिया है। अगर आपका इजाजत हो, अगर आपसे इजाजत हो, इन्हीं इश्यू से मिलते जुलते हैं, मैं उसी ऑर्डर से आपको थोड़ा सा एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं और फिर मैं अपना पॉइंट मुकम्मल करूंगा। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक जी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा है कि नैब इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से सिलेक्टेड पिग्मीज को इख्तदार दिया जाता है और वो सिलेक्टेड पिग्मीज को प्रमोट करके असल सियासी क़यादत को, असली सियासी कारकुन को कैद में रखते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के बारे में, इस सिलेक्टेड हुकूमत के बारे में, इस सिलेक्टर्स के बारे में एक बहुत तफसीली फैसला आया है, 87 पेजेस का फैसला आया है, इसके बाद इनका एहतसाब का नाम लेने से इनका कोई, दे कांट टॉक अबाउट करप्शन, दे कांट टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी। इनका पूरा का पूरा अदारा, नैब का अदारा अब गैर आइनी बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें, एक नया एहतसाब के अदारा खड़ा कर दें जो हुकूमत का भी एहतसाब करे, जो अपोजिशन का भी एहतसाब करे, जिसके सामने हर हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून हो, जिसको ये पूरा इख्तियार हो कि अगर वो किसी सियासतदान को, किसी पार्लियामेंटेरियन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अगर उनको किसी जज को या किसी जनरल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो भी उनके पास इख्तियार हो, एक इदारा हो सारे पाकिस्तान के लिए, एक हदारा हो सारे पाकिस्तानी के लिए। जब सबके लिए एक कानून होगा तो फिर हम आखिर एक एक फाइनल टाइम के लिए ये करप्शन का जो इश्यू है इसको खत्म कर सकते हैं। जनाबी स्पीकर, आपका एजेंडा पे NRO है कुलभूषण यादव के लिए। ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन की जमीर ये इजाजत नहीं देता कि हम इस हाउस के सेशन को चलने दें, हम आपको इस ऑर्डिनेंस को पास करने दें, विच इज वाई मैं आपका क्वॉरम पॉइंट आउट कर रहा हूं। थैंक यू जनाबी स्पीकर।